तो जब हमारे हृदय में ये भावना रहेगा, ये एटीट्यूड रहेगा कि कृष्ण ने बहुत जन्मों के बाद मुझे चुना है, मुझे ये अवसर दिया है भक्ति का, तब हम भक्ति का मार्ग थोड़ा तीव्रता से लेंगे और कृष्ण जब देखेंगे कि ये भक्त अभी भक्ति अच्छे से कर रहा है, अपना हृदय डाल के कर रहा है, कृतज्ञता से कर रहा है, तब कृष्ण खुश हो जाएंगे। वी विल होप दैट वी डू नॉट लूज अ डिटर्मिनेशन एट दिस पॉइंट। तो तब हम भक्ति में हमारा जो निश्चय है, दृढ़ता है, वो छोड़ेंगे नहीं, हमारे निश्चय बना के रखेंगे। इवन दो वी हैव सो मच टू डू, वी डी नॉट स्टॉप क्रिएटिंग मोर कॉम्प्लिकेशंस देन नेसेसरी। वी हैव टू रियलाइज दैट गॉड कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व्स मोर देन जस्ट बिल्डिंग बिग प्रोजेक्ट्स, मेमोराइजिंग न्यूमरस वर्सेस और ऑर्गेनाइजिंग बिग कैंपेन्स, फेस्टिवल्स एंड सो ऑन। तो यस, भक्ति के मार्ग में हमको बहुत कुछ करना है कृष्ण के लिए, गुरु के लिए, पर हमको ये भी याद रहना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं ये सब। बहुत बार भक्ति में जब सेवा में लगते रहते हैं, हम क्यों कर रहे हैं भूल जाते हैं। जब शुरुआत में इस्कॉन में आते हैं, आपको पता है कि हम कृष्ण का निस्वार्थ रूप से सेवा करने के लिए आए हैं, पर धीरे धीरे कृष्ण निकल जाते हैं, हम सिर्फ वो कार्य करते रहते हैं, क्यों कर रहे हैं भूल जाते हैं। तो भक्ति का मार्ग, हाँ, बड़े प्रोजेक्ट्स करना है, कृष्ण के लिए बड़े मंदिर बांधना है, श्लोक पाठ करने हैं, बड़े बड़े फेस्टिवल्स कर सकते हैं, वो सब करना है, पर उसके साथ साथ जो सही भावना है, क्यों कर रहे हैं, उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। दीज एक्टिविटीज अलोन विल नॉट गिव अस प्योर लव ऑफ गॉड। हम श्लोक कंटस्ट करेंगे, बड़े मंदिर बांधेंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि हमको भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त होगा। भगवान के प्रति प्रेम कब प्राप्त होगा, जब ये जो सेवा है अलग अलग कृष्ण को केंद्र में रखते हुए कर रहे हैं। तो भावना इंपॉर्टेंट है, भावग्राही जनार्दन है।